हेलो दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे साइन रिलेशंस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि साइन का क्या रिलेशन होता है, यानी साइन साइन जो साइंस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो रिलेशन है आपस में, आखिर में वो क्या होता है, ये इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और बहुत बच्चों को नहीं, बहुत बड़े बड़े बच्चों को, जैसे कि 11th 12th में भी जो बच्चे आ जाते हैं उन्हें भी अच्छे से क्लियर नहीं रहता, क्योंकि उन्हें बेसिक से चीज़ें समझाई नहीं होती उन्होंने, क्योंकि वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, और कभी भी रट्टा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो आज हम आपको इस तरीके से सिखाया देंगे कि आपको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको कब लगेगा कि यार ये इतना ईजी था तो हमने आज तक सीखा क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, पहली वीडियो है तो बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम आई मीन वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, बाकी आपको पढ़ने से मतलब है, वीडियो की क्वालिटी और उस सबसे तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सीखने से मतलब है, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बाकी टाइम टू टाइम हम इसमें चेंज लेके आएंगे, क्वालिटी भी बेटर करेंगे। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि साइन के जो रिलेशन है, यानी साइन का आपस में जो रिलेशन है, किसके लिए, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनमें साइन का क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। तो ऐसे सीखा होगा आपने, सीखा नहीं होगा तो सुना होगा डेफिनेटली कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई। अच्छी तो ये चीजें तो आपने सुनी ही है, बट इनको ना क्या होता है, बच्चा याद रख करता है तो कंफ्यूज हो जाता है कई बार, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, गलत भी बता देता, उतना माइंड में वो कहते हैं ना, कभी भी क्लियर ना होना, अच्छे से क्लियर नहीं होता, ऐसा नहीं कह रहा सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब अधिकतर बच्चों को ढंग से क्लियर नहीं होता। तो आज हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि एक एक बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको बस दो बात याद रखनी है फिलहाल, ये दोनों कैसे साइन है, दोनों माइनस के, ये दोनों कैसे साइन है, दोनों प्लस के, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, दो प्लस का है कि माइनस का है, मतलब ये तो मतलब है ही, सबको मतलब है, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये दोनों कैसे साइन है, सेम साइन है, दोनों एक जैसे साइन है, और ये दोनों कैसे साइन है, ये भी सेम साइन है, यानी कि एक जैसे साइन है। जब भी साइन एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, वहां पर हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है, क्या करना होता है, प्लस। और जब भी साइन डिफरेंट होते हैं, देखो एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस है, यानी डिफरेंट साइन है, यानी अलग अलग है, और जब भी साइन डिफरेंट रहेंगे तो हम क्या करते हैं, माइनस, यानी हमने दो बातें सीख ली है यहाँ पे। अगर साइन एक जैसे रहेंगे तो हम करेंगे प्लस, और अगर साइन अलग डिफरेंट रहेंगे यानी अलग अलग रहेंगे तो हम करेंगे माइनस, एक बात ये, ठीक है, एक बात में दो बातें सीखी हमने कि साइन एक जैसे रहेंगे तो हम करेंगे प्लस, और साइन डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे तो हम करेंगे माइनस। अब चलते हैं आगे कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो यह है माइनस का 9 और माइनस का 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस तीन चीजें आएंगी, क्या आएंगी, तीन चीजें, इन तीन चीजों को सीखना है हमें स्टेप बाय स्टेप, बस एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम आप कुछ भी नहीं करोगे, बस ध्यान से सुनो कि कैसे किया जा रहा है। हमें साइन देखने हैं, 9 का साइन, ये देखो साइन क्या होता है, हमेशा उस नंबर के आगे होता है, तो 9 का साइन क्या है, माइनस, ये नहीं कुछ बच्चे सोचते 9 का साइन क्या हो गया, माइनस, और 6 का साइन है ही नहीं ऐसा सोचते, मगर साइन क्या होता है, हमेशा आगे होता है, तो 9 का साइन क्या है, माइनस का, और 6 क्या है, 6 भी माइनस का है, इसका साइन भी माइनस का और इसका साइन भी माइनस का, दोनों कैसे साइन है, दोनों माइनस के, उससे मतलब तो हमें है ही, साथ ही हमें ये देखना है दोनों सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, दोनों सेम साइन है, और जब भी सेम साइन रहता है तो हमने क्या सीखा है, सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, प्लस, या मैं लिख ही देता हूं पेन ने चलना, देखो सेम साइन, ठीक है, डिफरेंट साइन, फोर लिखते, फोर सेम साइन, सेम साइन के लिए करते हैं प्लस, फोर डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन के लिए क्या करते हैं, माइनस, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो सेम साइन के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों, प्लस करेंगे। अच्छा, हमें दो चीज सीखी,
कि अगर डिफरेंट साइन रहेंगे तो हम करेंगे माइनस और सेम साइन रहेंगे तो हम करेंगे प्लस। अब हम क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में क्या है, सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, सेम साइन है, तो यानी हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, प्लस। अब हमें पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने ये डिसाइड किया कि सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, तो हमने कर लिया डिसाइड कि भाई सेम साइन है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें प्लस। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके साइन क्या है, नंबर कौन कौन से है वो देखो, 9 है और 6 है ना, तो इनको हमने क्या सीखा भी, प्लस करना है क्योंकि सेम साइन है, तो 9 और 6 को साइड में ले जाके आपने प्लस कर दिया, कितना आ रहा है 15, तो आंसर लिखो 15। इतनी बात क्लियर है, दो स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप, आपको जो नंबर दे रखे हैं उनके साइन देखने हैं, सेम है या डिफरेंट है, वहां से आपको डिसाइड करना है उनको प्लस करना है या माइनस करना है, साइड में ले जाके उन दो नंबर को लिखना है, और जो भी आपने मतलब फर्स्ट स्टेप, यानी जो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि सेम साइन है तो प्लस करना है और डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है, तो वो चीज जब नंबर लिखा तो वो चीज कर लो, अगर प्लस करना है तो प्लस करो, माइनस करना है तो माइनस कर लो। अच्छा, तो यहां पे लिख दो आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप एंड लास्ट, कि उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये देखना है, तो 9 है, 9 और 6 में कौन बड़ा है, 9 है, 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए जो आंसर आया उसमें लगेगा माइनस। इतनी बात क्लियर है, तीन स्टेप है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, बट एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं उसमें रिपीट करेंगे, ठीक है। माइनस का 95 प्लस में 83, ये क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट स्टेप, दोनों कैसे साइन है, 95 माइनस का है और 83 प्लस का है, दोनों सेम साइन हुए या डिफरेंट साइन हुए, डिफरेंट साइन हुए, और अभी अभी हमने क्या सीखा है, जब फोर डिफरेंट साइन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस, तो यानी इन दोनों नंबर को हमें माइनस करने वाले हैं, तो यानी फर्स्ट स्टेप में हमने ये डिसाइड कर लिया माइनस करना है प्लस करना है, तो हमने सीखा भाई माइनस करना है क्योंकि डिफरेंट साइन है दोनों के, तो 95 और 83 यानी ये दो नंबर है। अब हमें साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस साइन का यूज इतना ही है कि डिफरेंट साइन है या सेम साइन है, कि प्लस करना है या माइनस करना है, ये चीज पता करना। और सेकंड थिंग, सेकंड स्टेप ये है कि जो नंबर लिख लिया उनको हमने डिसाइड तो कर ही लिया माइनस करना है, तो माइनस कर लो साइड में ले जाके, कितना आ गया 12, आपने लिख दिया 12 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, 95 बड़ा है 83 से, और 95 क्या है, कौन साइन है, माइनस, तो माइनस लिख दे। अब बताओ, इतना ईजी है, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, 9 6 1 11 9 5, ठीक है। अच्छा, अब इनमें देखना है, ये थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे साइन है, सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। अब एक बात मुझको बताओ कि 9 6 1 जो है उसका साइन कैसा है, जब भी किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो मेरे बच्चों वो प्लस होता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्लस। तो 9 6 1 है प्लस का, और 1 1 9 5 यानी 1195 यानी 1195 कैसे साइन है, माइनस का, तो दोनों साइन सेम हुए या डिफरेंट हुए, डिफरेंट हुए, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो डिफरेंट साइन हो गए। डिफरेंट साइन के लिए हमने क्या सीखा है, माइनस करना है, तो साइड में लिखो कौन कौन से नंबर है, 1195 और 961, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, करके देख लो भाई, 1195 और 961 को, यानी सिंपल करना है। एक मिनट रुकिए, इधर नहीं करता, इधर कर देता हूँ, 1195 और 961, 5 7 गया 4, 9 6 6 गया 3, 11 से 9 गया तो 2, तो क्या आ गया, 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 1195, तो इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसीलिए इसके आगे आया माइनस का। अब बताओ, समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना सबको समझ में, तो इतना इजी है साइन का कॉम्बिनेशन बनाना, इतना इजी है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें ये देखना है जो साइन दे रखे हैं वो, जो जिन दो नंबर में साइन दे रखे हैं वो दोनों के साइन देखने हैं, दोनों साइन सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम साइन है, सेम फोर सेम साइन के लिए हम करते हैं प्लस, डिफरेंट साइन है तो उनके लिए क्या करते हैं, माइनस, इतना ईजी। उसके बाद हमने देखा सेम साइन है प्लस करना है, जब हमने ये डिसाइड कर लिया प्लस करना है माइनस करना, उसके बाद बच्चों हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, बस वो नंबर लिखे 9 और 6 प्लस करना है, तो दोनों को साइड में ले जाके सिंपली प्लस कर लिया और फिर आंसर को लिखा, और फिर लास्ट स्टेप ये है कि उन दोनों में बड़ा कौन है उसके साइन को लिख लिया, ठीक है। ऐसे इसमें सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, हमने देखा भाई डिफरेंट साइन है यानी माइनस करना है, दोनों नंबर को लिख लिया, दोनों नंबर को लिखने के बाद हमें सिंपली माइनस करना है क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो हमने माइनस कर लिया, कितना आ गया 12 आ गया, 12 को हमने लिखा, बड़ा कौन है ये है, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस का, सिमिलरली दोनों कर दिए, क्लियर। एक
दोनों एक और क्वेश्चन है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है। अभी आपको लग रहा होगा आपको बहुत अच्छे से आ गया, पर मैं मिस्टेक्स भी दिखाता हूँ, आपने खुद की होगी या बच्चे करते हैं तो आप सीख सकते हो दूसरों की मिस्टेक्स से कि कहाँ पे ये मिस्टेक्स होती हैं। ये देखो 19 माइनस में 16 प्लस 3, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करते हैं, 19 करते हैं और 6 बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है, और बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले करते हैं प्लस और उसके बाद करते हैं माइनस, मतलब वो सब छोड़ो, अभी ब्रैकेट करते हैं, ऑफ करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उसके बाद इस लाइन में होता है। बस अभी ये देखो अगर माइनस और प्लस आते तो हम क्या करते हैं, प्लस पहले करते हैं उसके बाद माइनस। तो बच्चे क्या करते हैं, 19 लिखा, माइनस भाई बाद में करेंगे, तो वो कहते हैं माइनस बाद में करेंगे और फिर क्या करते हैं, प्लस पहले करेंगे। तो 16 और 3 को ऐड करके वो 19 लिखते हैं, और 19 से 19 जाता है, तो मेरे बच्चों वो आंसर लगा देते हैं 0, जो कि एकदम गलत है। कैसे करना था इस क्वेश्चन को, 19 माइनस 16 प्लस में 3 है, ठीक है भाई, प्लस पहले करना है, तो 16 और 3 को प्लस करना है। तो मेरे बच्चों 16 और 3 को तो तभी प्लस करते ना जब 16 प्लस का होता, बट 16 क्या है मेरे बच्चों, माइनस का है। अब जब हमें इन दोनों को प्लस करना है तो हमने इसका साइन देखा प्लस का है और इसका साइन देखा माइनस का है, दोनों साइन कैसे हुए, सेम हुए या डिफरेंट हुए, डिफरेंट हो गए है ना। और जब डिफरेंट साइन होते हैं, अभी हमने सीखा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी डिफरेंट साइन है, इन दोनों के डिफरेंट साइन है और इन दोनों को करेंगे माइनस। सेकेंड स्टेप माइनस करके कितना आंसर आ गया, 13 आ गया, यहाँ पे आपने लिख दिया 13। इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, 16 है, उसके आइकॉन साइन है माइनस, तो इसके आइकॉन साइन आएगा मेरे बच्चों माइनस। अब माइनस करो कितना आएगा, 6, आप बताओ आया ना, ये गलत है, यानी जो आपने किया वो रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट है। अब आया समझ में या नहीं आया, अच्छा ये कैसे, अगर होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 19 माइनस 16 प्लस 3 ब्रैकेट में होता, तो आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले करते हैं और ये जो चीज है ये एकदम सेपरेट है, ये माइनस क्या है, इसका जो आंसर आएगा उसके आगे माइनस है, इसका मतलब ये है। तो इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, 16 और 3 को ऐड करेंगे, क्योंकि 16 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया, 19 आ गया, तो 19 से 19 गया तो कितना आया, 0, तब आता ये आंसर, ना कि यहां पे आ जाता, क्योंकि यहां पे 16 माइनस का है ना कि प्लस का, तो इसीलिए ये मेथड गलत हो गया। इतनी बात क्लियर है, चले आगे, समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर। माइनस का 85, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्लस 95 और 101, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, सबसे पहले आपको मान लो, देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं, तो मैं दोनों तीनों मेथड से कर देता हूं, तरीके तो नहीं है, मतलब दो तीन टाइप से आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट करा, इन दोनों को क्या करना है, यहां करना है प्लस करना है, मगर प्लस किसको करना है, 85 कैसा साइन है माइनस का और 95 कैसा साइन है प्लस का, तो यानी इन दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट, उससे अभी कोई मतलब नहीं, इन दोनों के साइन देखो क्या है, डिफरेंट है, और जब साइन डिफरेंट रहते हैं तो मेरे बच्चों क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 85 और 95 इन दोनों के साइन डिफरेंट है, तो इनको क्या करेंगे, माइनस, और जब इनको माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है, 10 लिख दिया। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला है 95, उसके आइकॉन साइन है प्लस का, यानी प्लस का आएगा 10, ये दोनों हो गए। अब बचा बीच में प्लस और 101, इसके आगे प्लस लिखने की नीड नहीं थी, आई मीन जरूरत ही नहीं थी, बट कोई नहीं, हमने लिख लिया। और अब इन दोनों को, दोनों साइन कैसे हैं, प्लस के हैं, तो अब इन दोनों को ऐड करना है, कितना आंसर आ गया, 111 आ गया, 10 और 111 और 100 थे, 111 आ गया, बड़ा कौन है, 101, इसके आगे कौन साइन है, प्लस का, तो इसीलिए इसके आगे प्लस लगाना है लगा लो, नहीं लगाना तो मत लगाओ। समझ में आया, ठीक है। सेकंड देखो, यानी इसी क्वेश्चन को करते सेकंड मेथड से, तो क्या करते, प्लस 95 प्लस में 101, सबसे पहले आप क्या करते, ये दोनों प्लस, इन दोनों को प्लस करना है, और इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो कुछ बच्चों को लगता है ये इजी है, तो कोई नहीं, दोनों सेम साइन है और दोनों सेम साइन रहेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सिंपल बात है, तो दोनों सेम साइन है, पहला हमने ये देखा, तो दोनों क्या करना है, प्लस, जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आने वाला है, 196,
तो यहाँ लिख दिया आपने 196। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये, इसके आइकॉन साइन है प्लस का, तो प्लस का लिख दिया। अब इन दोनों को देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे लिखा है प्लस करना है, मगर 85 क्या है? माइनस का है। बच्चे क्या करेंगे? फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस कह देंगे आंसर आ गया, जो कि गलत होगा। हमें क्या करना है, उसी बात को माइंड में रखना है, सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। सेम साइन है तो करते हैं प्लस, और डिफरेंट साइन है तो करते हैं माइनस। तो माइनस करना है, यहाँ लिख देता हूँ माइनस किसको करना है, 196 और 85 को। इन दो नंबर से बस हमें इतना मतलब है, पहले हमें साइन से बस इतना ही मतलब है कि सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। अगर भाई डिफरेंट साइन है तो करेंगे माइनस, और सेम साइन है तो करेंगे प्लस। तो इतना करने के बाद, इतनी बात जानने के बाद, उन नंबर को साइड में लिखना है जो भी हमने डिसाइड किया, माइनस करना है प्लस करना है वो कर दो। माइनस करना है करो माइनस, 111 है, 111 लिखा। दोनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है? 196। उसके कौन सा साइन है? प्लस का, तो प्लस का आ गया 111। अब बताओ सही बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे करना है। एक तो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ये तो कॉन्सेप्ट हो ही गया। कल फिर मिलते हैं किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ये लो एक और ले लो, 7-1। ठीक है, दोनों यहां से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बढ़िया मेथड यही है, स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो। ठीक है, यहां से करना स्टार्ट करते हैं। दो नंबर को लिया, यानी स्टार्टिंग के दो, इन दोनों को ले लिया। दोनों के कैसे साइन है? माइनस के। ठीक है, माइनस के तो है, मगर हमें माइनस के हैं या प्लस के, इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता। मतलब ये तो मतलब सबको है ही, ये तो देखना ही है। मतलब हमें इससे है कि दोनों सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। देखा हमने, सेम साइन है। क्या है? सेम साइन। और जब सेम साइन रहते तो क्या करते हैं? प्लस। तो साइड में लिख लो, इन दोनों को प्लस करना है, तो कर लेना 204 आएगा। तो दोनों सेम साइन है, दोनों को प्लस करना है, करके रहा, आंसर लिख दिया। दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप, इन दोनों में बड़ा कौन है? 109 है। उसके आगे कौन साइन है? माइनस। तो इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा मेरे बच्चों? माइनस। अब जो बचे हैं रिमाइनिंग, उनको लिख लो। लिख लिया। अब फर्स्ट टू ले लो, यानी इन दोनों को ले लो। दोनों के कैसे साइन है? डिफरेंट साइन है। और जब डिफरेंट साइन रहते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 119 आएगा। 119 लिख लिया। दोनों में बड़ा कौन है? 204 है। उसके आगे कौन साइन है? माइनस का। प्लस में 71 लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों में हमें ये देखना है। अब ये दोनों तो बचे, सेम साइन है या डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है। फिर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 119 और 71 को माइनस करा, कितना आ गया? 48। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है? ये है। इसके आगे कौन साइन है? माइनस का है। आ गई बात समझ में? कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी करने वाले इसको ऐसे भी कर लेंगे, 95 माइनस में 109 है, वो भी सही आ जाएगा। 85 प्लस 71। सबसे पहले आप प्लस कर लो, इन सबको ऐसे लिख लो, 95 109। इन दोनों को प्लस करना है, और इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, क्योंकि प्लस करना ईजी लगता है बच्चों को। इतने देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आपको इतने अच्छे से पता होगा कि अगर सेम साइन है तो भाई करते हैं प्लस, और डिफरेंट साइन है तो करते हैं माइनस। और साइन को आप देखोगे करने से पहले, दो इसके साइन को, इसके साइन को, जिन भी दो को आप प्लस या माइनस करने के लिए सोच रहे हो, और उस वाले स्टेप पे जाओगे, तीनों स्टेप को फॉलो करोगे कि सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, उसके बाद जो भी आया कि प्लस करना है माइनस, उसको साइड में ले जाके करोगे, साइड में ले जाके कर लोगे, और उसके बाद आंसर लिखोगे। फिर ये देखोगे ग्रेटर कौन है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लगाओगे। तो कैसे भी कर लो, चाहे आगे से कर लो, यूं कर, यहां से स्टार्ट करके कर लो, चाहे बीच में से स्टार्ट करके कर लो, चाहे यहां से स्टार्ट करके कर लो, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, इसे क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। अब समझो, इन दोनों को प्लस करना था, दोनों सेम साइन थे, ये देखा हमने, हाँ ठीक है, कर दिया भाई। उसके बाद दोनों, अब चलो यहीं रहने दो इसको। दोनों कैसे साइन है? डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 156 और 109 को माइनस कर दो, कितना आने वाला है? 47। दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला। इसके आगे कौन साइन है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में को देखते हैं कैसे साइन है, डिफरेंट साइन है या सेम साइन है? डिफरेंट साइन है। अब इन दोनों क्या करना पड़ेगा? माइनस। 95 47 को माइनस कर दो, 48 आ गया। ठीक है, बड़ा कौन है? ये। इसके आगे कौन साइन है? माइनस।
देखो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने तरीके में किया है तो आंसर दोनों तरीके से सेम ही आने वाला है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। देखो कुछ बच्चों का अभी भी ऐसा लग रहा होगा जिनको हल मतलब पहले से आता होगा, तो हमें तो आता था, ऐसा क्या सिखा दिया ये वो, इस टाइप से। आप ध्यान से देखो, डेफिनेटली आपको नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, और ये स्टेप से आप करोगे, इस मेथड से आप करोगे, इस कॉन्सेप्ट को आपने ऐसे सीखोगे, तो कभी भी आपकी कोई भी मिस्टेक होने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करना ट्राई करते हैं। मेथड तो नहीं, मतलब बीच में से करने की ट्राई करेंगे। तो कुछ बच्चे होंगे जो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों करेंगे, तो ये दोनों को करना है, इन दोनों को ले लेते हैं। इसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का। देखो मैं बार बार हर तरीके से इसलिए करा रहा हूँ, आगे से स्टार्ट करके करा, पीछे से स्टार्ट करके करा, अब बीच में से करा, ताकि बार बार आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि कहीं से भी कुछ किसी भी मेथड से कर लो, कोई मतलब किसी भी तरीके से कर लो, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आना ही आना है, बिल्कुल करेक्ट। वो भी दोनों के साइन है डिफरेंट साइन है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 109 और 85 जीरो है, तो माइनस करना पड़ेगा, करा 10 से 8 गया, 10 से 8 गया तो 2 आ गया, 24 लिख लिया। दोनों में बड़ा कौन है, ये है, इसके आगे कौन सा है ना माइनस का, प्लस में लिख लिया 71। इतनी बात क्लियर है, हाँ क्लियर है भाई। उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चों, फिर आपका मन करे वहां से कर लो। ये दोनों के साइन है डिफरेंट साइन है, तो इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का, इसके आगे माइनस का, डिफरेंट साइन है यानी माइनस करना पड़ेगा। तो 71 में 24 माइनस कर दो, कितना आ गया, 47 आ गया, तो आपने 47 लिख दिया। इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस का लिख दिया। दोनों के साइन है डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दिया, 15 से हट गया, यानी कि ग्रेटर कौन है, ये इसके आगे माइनस का साइन माइनस का। अब बताओ आया समझ में, यानी कैसे भी कर लो, कुछ भी किसी भी कहीं से भी स्टार्ट करके कर लो, बस वही तीन स्टेप हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। सेम साइन है तो हम करेंगे प्लस, और डिफरेंट साइन है तो हम करेंगे माइनस। अच्छा, ये जो चीजें हमने सीखी हैं ये बस खाली उन्हीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए क्या रूल होता है वो हम सीखेंगे कल, ठीक है, आज नहीं सीख रहे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी ज्यादा ही, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग इज दैट कि जब आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच करोगे तो आपको बस वॉच करनी है, यानी कि देखनी है कि किस तरीके से सिखाया जा रहा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं बोलता बहुत तेज हूँ, यानी कि जल्दी जल्दी करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम में आप क्या करो, बस वीडियो को वॉच करो कि किस हिसाब से कॉन्सेप्ट को सिखाया जा रहा है और कैसे क्वेश्चन को किया जा रहा है। और जब आपने एक बार वीडियो वॉच कर ली और आपको समझ में आ गया, तो सेकेंड टाइम में आप करते हुए